चरम तिरुपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। जैन से जैन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जापुरुष के चरणों में आत्मभावेन वंदनम। सब उपस्थित समाधीन मुनि भगवान उपस्थित भव्यात्मा। इस गीत में बदरा यानी बादल को कह रहे कि हे कजारे बदरा तू धीरे धीरे बोल, अपनी शेखी मत बघा कि मैं जग में सबसे ऊंचा हूँ, ऊंचे रहने वाले बादल तुझको भी आना तो नीचे पड़ेगा। ये संदेश कि हम चाहे कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए पर मान कषाय जब हावी होता है उस मान कषाय के कारण से नीचे आना होता है। मान कषाय जितना ऊपर ले जाता है उतना ही नीचे आता है। आज जिनके चरण पूजे जाते हैं अगर आचरण करना छोड़ दे उन चरण पर मस्तक नहीं झुकेंगे, उनके मस्तक पर औरों के चरण पड़ जाएंगे। यह भी देखा संसार में चढ़ती के दिन भी हमने देखे और उतरती के दिन भी देखे। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को सब कोई देखता नहीं उसकी ओर। इसलिए बादल को कह रहे कि गर्वीले स्वर से तू मत बोल। ये बादल को नहीं, ये संदेश हम सब जीवों के लिए है कि अमीरी आ गई तो इतराना मत और गरीबी आ गई तो शर्माना मत। अपनी स्थिति को देखकर कभी गर्व मत करना, मान मत करना। रे जीव मान न कीजिए, मान करने से क्या होगा, मान किसका टिका। अभी सुंदर सुंदर उदाहरणों के माध्यम से हमने सुना कि मान किसी का नहीं टिका तो हमारा क्या मान टिक पाएगा। पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मान तो टिक जाएगा। राजा रावण की लंका चली गई, लंका जल गई, लेकिन मेरा मान तो नहीं जाएगा। कई मानी आ गए और कई मानी आकर चले गए लेकिन उनका मान टिका नहीं तो हमारा मान कहाँ टिक पाएगा। और वहाँ पर मान कैसा है जिस पर हावी है, ऐसा अग्नि शर्मा सोच रहा है कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की और मेरा इतना पराभव राजा ने किया। अब तक संभव था पर संभव का किला ढह गया। मान कषाय की बाढ़ ऐसी आई कि मान कषाय की बाढ़ में सब कुछ बह गया। राजा के लिए जो गुणगान कर रहा था किसी समय कि राजा कितना साधुओं की भक्ति करता है, कितना तपस्वियों को सम्मान देता है, वो सारे सम्मान की सारे प्रशंसा की इमारत चंद पलों में ढह गई। किस कारण? क्रोध हावी हुआ और मान का साथ मिला, मान की पुष्टि मिली। क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया मान ने कि आज तक उसने मेरा पराभव किया था, जब मैं संसारी था तब पराभव किया था, तब कोई बात नहीं थी, पर आज मैं तपस्वी हूँ साधक हूँ उसके बावजूद भी वो राजा मेरा पराभव कर रहा है। तीन तीन बार मेरा पारणा चुका दिया, उस राजा को मैं छोड़ूंगा नहीं। और प्रतिज्ञा कर ली कि आने वाले भव भव में जन्म जन्म में उस गुणसेन राजा को मैं मारने वाला बनूं। कैसी दुष्ट प्रतिज्ञा, सारे तपस्या को दांव पर लगा दिया, लाखों वर्षों की तपस्या को दांव पर लगा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में, नियाणा कर लिया। ऊंची चीज के बदले में नीची चीज मांग ली। लाखों वर्षों की तपस्या थी, लाखों वर्षों की साधना थी, लेकिन साधना पर पानी फिर गया। अब उस गुणसेन का नाम भी सुनना नहीं चाहता हूं। ये भाव अग्नि शर्मा के भीतर आ गए। जब तपोवन में पहुंचे सब उनके आसपास आ गए कि आपका मलिन गात्र देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी पारणा नहीं हुआ, क्या हुआ? राजा गुणसेन तो भक्तवत्सल है, क्या उन्होंने पारणा नहीं कराया? जैसे नाम सुनते गुणसेन, उस राजा का नाम मेरे सामने मत लेना, वो राजा पाखंडी है, वो राजा मायावी है, उसने आज तक मेरे साथ बुराई बर्ताव किया है, उस राजा को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका नाम मेरे सामने मत लेना। क्रोध का ज्वालामुखी फूट रहा है और उससे लावा रस निकल रहा है, ऐसी उसकी हालत होगी। कुलपति आते समझाते कि महात्मन क्रोध मत करो, क्रोध तुम्हारी तपस्या को जला देगा। राजा को कुछ कारण बना होगा, कुछ न कुछ विघ्न आया होगा, इसलिए पारणा नहीं कराया, नहीं तो रोज क्यों आता।
रोज आकर तुम्हारी सेवा भक्ति क्यों करता? वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है। कुलपति भी देखते अभी कषाय हावी है, अभी क्या करना चाहिए, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। हमको भी कुकर खोलना हो तो क्या करना पड़ता है, पहले गैस निकल जाने दो उसकी, गैस एक बार निकल जाए फिर कुकर आराम से खुल जाएगा। अगर गैस भरी हुई कुकर खुलेगा नहीं, प्रयत्न करोगे खुलेगा नहीं। ऐसे ही कभी कोई आग रूप में हो तो क्या करना, शांत हो जा, शांत हो जा, शम शम शम, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। जब वो शांत होगा तो आपकी बात सुन पाएगा, अभी कषाय इतनी हावी है वो सुन नहीं पाता। सुबह सुबह एक साविका जी बोल रहे थे, हमारे पति तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, मासा इनको समझाओ, मासा इनको समझाओ। अरे बोलना आप बंद तो करो, तब तो समझाऊंगा मैं, आप ही इतना बोल रहे हो मैं कैसे समझाऊंगा उनको। हम क्या करते हैं, समझाने में एक्सपर्ट है, समझने में एक्सपर्ट नहीं है। हम कहते हैं हम सबको समझा देंगे, हमको भी लगता है हम पूरे बाड़मेर को बदल देंगे। बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। ये मिथ्या अभिमान है कि हम सबको बदल देंगे। परमात्मा भी सबको नहीं बदल पाए तो हम कैसे बदल पाएंगे। तो क्या बोलना बंद कर देना कल से व्याख्यान बंद? नहीं, हमें हमारा काम करना है। हमको जो संघ ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को निभाना है। वैसे ही आपको बोलना बंद नहीं करना है, पर बोलने में क्या हो, क्या होना चाहिए, बोलने में विवेक होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। हम कैसे बार बार टक 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 एक ही टक 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 लगी रहती है, सुन सुन के आदमी बोर हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ढीठ हो जाता है, अब मैं सुनूंगा ही नहीं। आप कितने बोलो मैं सुनूंगा नहीं। वो कुलपति समझदार थे, अभी बोलने का वक्त नहीं है, अभी संभालने का वक्त है। इतनी लंबी दीर्घ तपस्या है, लाखों वर्षों की तपस्या है, और अभी अभी 3 महीने की तपस्या हो चुकी है, अभी कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं। अभी क्या करो, इनको शांत भाव से बैठने दो, थोड़ा शांत हो जाने दो। गुस्सा अभी भरा हुआ है और कोई भी आता उस सामने एक ही बात करता हो, अरे राजा को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो राजा तो पाखंडी है, दुष्ट है, पापी है, उसने बचपन में मेरे साथ में बुरा सलूक किया, अब भी वो बुरा सलूक कर रहा है। सब आते, सब तापस थे, सब समझते थे, कषाय की वशीभूति आत्मा हो गई है। इतनी दीर्घकाल की तपस्या के बाद भी ये कोई उन्माद आ गया इसमें और वो बड़बड़ कर रहा है। सब आते, सब सांत्वना देने का प्रयास करते और दूर से ही करते, दूर से ही दर्शन करते चले जाते। कुलपति ने सबको ताकीद दे दी कि कोई भी अग्नि शर्मा के सामने अभी जाएगा नहीं, क्योंकि जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मानो भस्मासुर का प्रवेश हो गया उसके भीतर और सभी दूर से ही दर्शन कर रहे, कोई उसके पास जाता नहीं। और इस प्रकार दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके भीतर की कषाय की धारा भी बढ़ती जा रही है। और इधर क्या हो रहा है, इधर राजमहल में आनंद उत्सव चल रहा है, राजा भी आनंद मना रहे हैं। 2 घड़ी दिन बढ़ गया और परिचारिका ने आकर राजा से कहा दुग्धपान का समय हो गया है। जैसे दुग्धपान सुना, दुग्धपान, राजा एकदम एकदम अचंभित हो गए। अरे पार्णा, जैसे ही पार्णा याद आया दौड़े दौड़े द्वार पर गए। क्या वो तापस आया था? द्वार पर गए थे, महाराज इतना आनंद उत्सव चल रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं था। अरे मूर्खों क्या कर दिया ये, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो तापस चले गए? दौड़ते पूछते, अरे वो तापस को देखा, अरे वो तापस को देखा। किसी नागरिक ने कहा राजन मैं ठीक से जानता तो नहीं, पर कोई कृष का है तापस को यहाँ आते हुए देखा था। दूसरा कहता मैंने जाते हुए देखा, जैसे ही जाते हुए देखा सुना। राजा निढाल होकर गिर पड़े, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं उनके सामने नहीं जा सकता, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, 3-3 बार मैंने पारणा चुका दिया उनका, अब मैं क्या मुंह लेकर उनके पास जाऊंगा। हालत दयनीय होगी। वो सोच रही मैंने हर बार अच्छा चिंतन किया, सारी व्यवस्था की, लेकिन मेरा कर्म कैसा, कैसा अंतराय का उदय कि मुझे पारणा कराने का मौका नहीं मिल रहा है। मेरी तीव्र भावना है, शुभ भावना है, निर्मल भावना है, उसके बावजूद भी मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। कैसा हदभागी हूँ मैं,
कैसा बदनसीब हूं मैं। वो ऐसा कह ही रहे हैं, उतने राजपुरोहित का पधारना होता है। राजपुरोहित नन्हे कुमार की जन्म कुंडली लेकर आते हैं। वो राजपुरोहित जी से कहते हैं, पुरोहित जी अनर्थ हो गया, अग्नि शर्मा जी का पारणा आज भी मैं नहीं करा पाया। कैसा मैं पापी हूं, कैसा मैं हदभागी हूं, कैसा मैं अभागा हूं, कैसा मैं उसका पारणा नहीं करा पाया, कैसे तीन तीन बार मैं चूक गया, मेरा क्या होगा। आप अविलंब यहां से तपोवन जाइए, क्योंकि उनकी नजरों से मैं नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप जाकर वहां का हालचाल देखकर आइए कि अग्नि शर्मा की स्थिति कैसी है। राजपुरोहित तुरंत जाते हैं, तपोवन में जाते हैं, तपोवन में सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब स्तंभित हो गए, सबको अपार वेदना है। अग्नि शर्मा के पास भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तपस्विन, वो अग्नि शर्मा उनको जानते नहीं थे, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो उनको पूछते हैं कि आपका कैसे आना हुआ। राजपुरोहित कहते हैं कि बस तपोवन में दर्शन करने आया था, पर आपका शरीर इतना दुर्बल क्यों दिख रहा है, आप इतने कांप क्यों रहे हो। अग्नि शर्मा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तपस्वी तो तपस्या में निरत रहते हैं, उनका शरीर के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर कुछ चिंताओं की रेखाएं दिख रही है, क्या आपका पारणा नहीं हुआ। पारणा? अरे पारणे की बात मत करो, अब मैंने आजीवन अनशन स्वीकार कर लिया है। जिस पारणे की वजह से तीन तीन बार राजा ने मेरा पराभव किया, राजा ने मेरा अपमान किया, राजा ने मुझे संतप्त किया, उस पारणे को मुझे करना ही नहीं है, और उस गुणसेन राजा को मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे वो सुनते हैं, स्थिति पूरी समझ में आ गई, वो मस्तक झुकाकर वहां से चले जाते हैं। तापसों से चर्चा करते, तापस कहते हैं कि राजन, मतलब राजपुरोहित जी, यहाँ का माहौल अभी बिगड़ा हुआ है, अग्नि शर्मा ज्वालामुखी की तरफ फट रहे हैं, आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं। और राजा साहब से कह देना कि आप भी यहाँ पर आने की गलती ना करें, हो सकता है राजा का अपमान कर दे, हो सकता है वो क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। राजा को जाकर समाचार देते हैं राजपुरोहित जी। राजा साहब तो कहते नहीं, मैं एक बार तो क्षमा मांगने जाऊँगा, और तुरंत वो अपने राजपरिवार के साथ तपोवन में जाते हैं। कुलपति जी उनको रोक देते हैं कि राजन, वहाँ जाने जैसा नहीं। राजन भी मौन हो जाते हैं, कुछ देर सन्नाटा छाया रहता है। राजन फूट फूट कर कुलपति के सामने अपनी व्यथा कथा को कहते हैं कि महाराज महात्मन, मैंने कोई कसर नहीं रखी, फिर भी ऐसे ऐसे तीन मौके आए और मैं पारणा नहीं करा पाया, मैं उनके चरणों में गिर कर क्षमा याचना करना चाहता हूँ। तब कुलपति कहते, जाने में कोई सार नहीं, और ज्वालामुखी भड़केगा, और कुछ वो बोलेगा, और कुछ होगा, इससे आप वहाँ पर मत जाइए। राजा उदास होकर वापस अपने राजमहल लौट जाते हैं और मंत्री से चर्चा करते हैं कि नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं नहीं रह पाऊँगा यहाँ पर, और वापस अपने क्षति प्रतिष्ठित नगर के लिए प्रयाण करने का मन बना लेते हैं। और कुछ समय रुक कर, क्योंकि अभी अभी प्रसूति हुई थी, कुछ समय रुक कर वापस क्षति प्रतिष्ठित नगर में पहुंच जाते हैं। और क्षति प्रतिष्ठित नगर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है कि हमारे महाराजा आ रहे हैं और पुत्र रत्न को लेकर आ रहे हैं, तो सारा नगर आनंदित है। लेकिन गुणसेन के मन में खेद है, गुणसेन के मन में दुख है। नगर में पहुंचता है, सारा सम्मान आदि समारोह होता है, राजसभा होती है, लेकिन उसके मन में चैन नहीं, उसका मन बेचैन है। वो पूछता है कि इस नगर में कोई आश्चर्यकारी घटना हो, कोई संत विराजे हो तो बताइए। उस समय एक युवक जिसका नाम कल्याणक था, वो कहता है कि यहाँ पर अशोक दत्त सृष्टि के अशोक वन में एक जैनाचार्य पधारे हैं और वे त्रिकाल ज्ञानी हैं ऐसा लगता है, और वे बहुत महान संत है, युवा वय में संन्यस्त हुए हैं, और उनके दर्शन करके आपके मन में शांति का आभास आपको होगा। ये सुनकर राजा मन बनाते हैं कि उन आचार्य देव के दर्शन करने मुझे जाना है। वो आचार्य देव कौन है, किस प्रकार उन्हें दीक्षा ली, और उनकी कथा सुनकर
गुणसेन के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अब तक तापस धर्म को देखा था, अब गुणसेन राजा का परिचय जैनाचार्य से होगा, जैन धर्म से होगा, जैन धर्म की शिक्षा से होगा, और उस शिक्षा को पाकर उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा, वेट एंड वॉच। कल संडे, संडे इज अ फन डे एंड लर्न डे। कल हम बाड़मेर से निकलकर सात समंदर पार, क्या है, नंदीश्वर द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप पर जाने का प्रयास करेंगे। भाव के माध्यम से हम नंदीश्वर द्वीप पहुँचेंगे। वो नंदीश्वर द्वीप कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पर कितने जिनाले हैं, कैसे पर्वत है, उन सबको हम जानेंगे। उसके भी क्या करना होगा, वेट एंड वॉच। हम भाव बनाकर आए भाव यात्रा करने के लिए। कल हम भाव यात्रा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन्हें अगर कुछ गाओ तो अच्छा होगा। सहजानंदी शुद्ध हुआ विनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हुनति मरतो हुआ विनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध हुआ विनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हुनति मरतो अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हुनति मरतो हो अविनाशी आत्मस्वरूपी।